सोच ले उठना, दान जरा कर ले सुमरन भगवान जरा। ऐसे लोगों से हम पूछना चाहते हैं कितना सुमरन करते हैं। मालिक की रहमत चाहिए, मालिक की रहमत क्यों नहीं, तरह तरह कुछ मांगते हैं मालिक से। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, जो मांगोगे मिल तो जाएगा, पर कोई उल्टा सीधा ना मांगो, मालिक से मालिक को मांगो। कई बार आदमी मांग लेता उल्टा और मालिक दे भी देता है जल्दी, ऐसा होते देखा। एक बहुत पहले की बात है, कोई सत्संगी बहन थी, बहुत बीमार हुई, सुमरन करने लगी और अचानक सत्संग सुना और ये मांग बैठी कि मालिक ठीक है फिर मुझे ले ही चल। तो ऐसा हुआ कि मालिक ने कहा कि चल बेटा, फिर शाम को ही आ गई, क्योंकि वो राम वो अल्लाह वाहिगुरु कई बार जीव को सुधारने के लिए भी कुछ ऐसा कर देते हैं कि ठीक है चलो फिर करो तैयारी। ना रोटी अच्छी लगे, चारपाई पे टट्टी पेशाब निकल गया, नहीं मैंने तो नहीं जाना, कितने आपने मांगा है कि चलना है, कर ले तैयारी फिर बांध ले जुल्ली बिस्तर। अब कहना तो बड़ा आसान है, बड़ी ऊंचा हाथ कर करके लोग कह देते हैं और जब मार पड़ती है ना तब कुरलाते हैं। तो फिर रोने चिल्लाने लगी, मालिक ये क्या, वो भागी जूपी में सत्संग था, आगे मिली गुरु जी, मैंने तो भगवान से ये मांग लिया और भगवान जी तो फौरन आ गए। तो बेटा तू गलत क्यों मांगा, तो मुझे क्या पता था, पता क्यों नहीं, मैं हम तो रोज सत्संग में कहते हैं कि मालिक से बुरा ना मांगो भाई, बुरा ना मांगो। अब कैसे होगा, कैसे होगा, हाँ भाई सुमन करो और मालिक से जिंदगी मांगो, तंदुरुस्ती मांगो, कोई भयानक कर्म होता है कट जाता है। बस लगी सुमन करने, कहाँ खाना खुना कुछ नहीं खाया जा रहा था, वहीं लंगर का खाना खाया और सुमन किया, मालिक से दुआ की आज और कल और ठीक होते चले गए, मालिक ने रहमत की। सो मालिक से मालिक को मांगना चाहिए, उसकी दया में रहमत को मांगना चाहिए, रब से मखौल ना करो, कोई पता नहीं कब वो सुन ले, लेने के देने बढ़ जाए। ज्यादा जो नाक ऊपर उठा उठा के चला करते हैं अहंकारी लोग, ऐसी मार पड़ती है कि गर्दन उठ नहीं पाती। तो हम तो किसी को डराना तो क्या दाढ़ लेनी है, हमारा तो बताने का मतलब मालिक से मांगना है तो अच्छा मांगो, मालिक से मांगना है तो सबका भला मांगो, अपने लिए भक्ति बात तंदुरुस्ती मांगो, क्योंकि मालिक सब कुछ देने वाला है, तो क्यों ना फिर मालिक से मालिक को मांगा जाए। तो इस घोर कल युग में, भयानक युग में बेपरवाजी यही कह रहे हैं, कुछ सोच लेकर उठ नादान जरा, नादान बना बैठा है, सब कुछ जानते हुए भी अनजान बना बैठा है, कर ले सुमरन भगवान जरा, मालिक को याद कर ले भाई, पुण्य पाप की गठरी जो बांधी उसका भी कर, उस पर भी कर ले ध्यान जरा, क्या कर्म किया है, कितने अच्छे कर्म किए, कितने पुण्य किए, कितने पाप किए, जरा ध्यान कर ले, जरा ध्यान दे। भक्त अमोलक जीवन का फिर लौट के हाथ ना आना है, जो वक्त गुजरता जा रहा है वो लौट के वापस नहीं आता, इसलिए गुजरते हुए वक्त को ध्यान में रखो, अच्छे नेक कर्म करो, बुरे कर्म ना करो, मालिक से मालिक को मांगो, मालिक से मालिक की बरकतें मांगो, सेवा सिमरन करो, तो आपके पाप कर्म कटेंगे और मालिक के दर्शन होंगे। नादान ना बनो, नादानी जो करते हैं उनके पल्ले कभी कुछ रहा नहीं करता। सो भाई रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदे, बड़ी हैरानी होती है, उस अल्लाह मालिक की दरगाह पे लोग, एक तरफ ऐसा संसार है यहां लोग अंधाधुंध चढ़ाते रहते हैं और एक तरफ ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं रब की जगह से लूट लिया जाए। हमने देखा है लूटते कैसे, 100 रुपया रखा, 10 रुपए रखे, हमने देखा खुद कि देखा कि ये मालिक का, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म में हमने देखा कई जगहों पे कि 100 रुपया रखा 95 रुपए वापिस उठा लिए, 10 रुपए रखे दूसरा आया उसने 10 रखे 95 उठा लिए। अब कोई वहां पकड़ने वाला नहीं, जो मालिक की चर्चा कर रहा है उसको गुस्सा जरूर आ रहा है क्योंकि उसकी निगाह के सामने हो रहा है, थोड़ा बहुत इधर उधर बैठा है उसको भी गुस्सा रहा, पर वो हिल नहीं सकता, यार इसने 10 रुपए रखे हैं और 95 उठा के ले गया, उसी निगाह मारता उसे 5-7 आ जाते हैं। सो
बड़ी हैरानी होती है इस कलयुग में लोगों को ऐसा करते देख के, और ये हकीकत है जो आपको सुना रहे हैं, बहुत सालों पहले की बात है, आज तो पता नहीं क्या क्या करते होंगे। आज भी हमने देखा है लोगों को सब कुछ होता है, सब कुछ नहीं, फिर नहीं शायद कुछ और, शायद कुछ और, उस और पाने की चाह में क्या प्यार, क्या खुशियां, क्या मालिक की रहमतें, सब कुछ गवा बैठते हैं। मालिक कभी किसी से ठगी नहीं मारता, वो तो कई गुना बढ़ा के देता है, पर मरोड़े क्यों लगते हैं, समझ से बाहर। तो इस कलयुग में भी लोगों को ठगी मारते देखा है, पर ये बेपरवाह मस्ताना जी महाराज का वो दर है जो लोहे के चने हैं, खा लेगा ना तो उल्टी होती है, ना टॉयलेट के रास्ते निकलते हैं, अंदर ही अंदर इंसान को जख्मी करते रहते हैं और बुरी तरह से बर्बाद हो जाता है।